विधानसभा चुनाव के समय से लगी आचार संहिता के चलते जहां जनपदों में तहसील दिवस और समाधान दिवस पर रोक लग गई थी, वहीं आचार संहिता हटने के बाद आज जनपद औरैया में सदर तहसील में पहला और बड़ा तहसील दिवस का आयोजन किया। सदर औरैया तहसील में आज लगे पहले तहसील दिवस की जानकारी जिलाधिकारी व जिला प्रशासन के द्वारा पहले से विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचा दिया गया था, जिसके चलते आज तहसील दिवस में जनता की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। तहसील दिवस में आने वाले सबसे ज्यादा फरियादियों में और जमीन से संबंधित मामले थे। इसको लेकर के जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने अपने अधीन सभी पदाधिकारियों को सख्त हिदायत और चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी फरियादी आए उनकी समस्याओं का शीघ्र और शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए, किसी भी पीड़ित को ज्यादा दिन न्याय के लिए भटकना न पड़े और दहलाया न जाए। साथ में आने वाली शिकायतों की जाँच तो एक अधिकारी करेगा, लेकिन कुछ जाँच भी दोबारा करवाई जाए और यह जाँच होगी, यानी कि शिक्षा विभाग की जाँच स्वास्थ्य विभाग कर सकता है और स्वास्थ्य विभाग की जाँच पुलिस विभाग भी कर सकता है। इससे जांच अधिकारियों की जांच करा ली है और उन पर भी असर पड़ेगा और निष्पक्ष होकर के पीड़ितों को न्याय के लिए भटक रहा है जो उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहां पर मौजूद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज तहसील दिवस में आने वाले फरियादियों में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व की हैं, जिसका जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाँच करवाया जा रहा है। पुलिस से संबंधित कानून व्यवस्था और मेरे द्वारा स्वयं पुलिस से मुलाकात करके की जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जाना जाएगा कि समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अमित कुमार शर्मा और अय्या के बाद ये पहला तहसील दिवस लगा है, क्या कहना चाहते हैं, कितनी शिकायतें आई हैं और किस तरीके से निस्तारण के लिए आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, ये नई सरकार गठन के बाद अभी ये पहला तहसील दिवस हो रहा है यहाँ तहसील सदर औरैया जनपद में। यहाँ पर जो पब्लिक है उसकी कुछ ज़्यादा शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, पर जो भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उन सबकी जांच कराने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जा रही है और समयबद्ध तरीके से उनकी जांच हो जाए और उसका निस्तारण मौके पर जाकर हो जाए। और मेरे द्वारा समय समय पर ये भी चेक किया जाता है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है और कॉल करके उन सभी प्रार्थना पत्रों में जो प्रार्थी होते हैं उनका फीडबैक भी लिया जाता है कि उनकी प्रार्थना पत्र का निदान हुआ है कि नहीं हुआ। हटने के बाद तहसील दिवस बहुत पुरानी हमारी सरकार की योजना है और केवल आचार संहिता की वजह से कुछ दिन रुक जाता है। आचार संहिता खत्म हुई है, आज पहला तहसील दिवस है और इसको हम लोगों ने अखबारों में दिया था, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट धीरे धीरे लोग इससे जानकारी हो जाएगी। तहसील दिवस शुरू हो गया है तो ठीक है, इनके जो भी आएंगे उनका प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया जाएगा निर्धारित समयावधि में। वर्तमान समय में यहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं, किस प्रकार की ज़्यादा समस्या है और उनका निस्तारण करने की तुरंत कार्रवाई की आवाज़ आपसे कहेंगे? अभी तो 10-20 आए हैं प्रार्थना पत्र, बट ज़्यादातर हम सभी वाकिफ हैं कि लैंड से संबंधित राजस्व विभाग के ज़्यादा प्रार्थना पत्र आते हैं और खाद्यान्न के ज़्यादा आते हैं, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी जब ये खत्म होगा 2 बजे तो मैं एक समीक्षा भी करूँगा सबकी कि किस तरह के प्रार्थना पत्र आए और कितने दिन में करना है। साथ में हम एक क्रॉस टीम बनाएंगे कि अगले तहसील दिवस से कि जो ये एप्लीकेशन के जवाब आ रहा है हमारे पास, आख्या आ रही है, उसका काउंटर चेक कराएंगे दूसरे अफसर से, दूसरे विभाग के अफसर से, उसी दिन 2 बजे तक हमारे पास आ भी जाएगा। अगर किसी ने गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया या गलत आख्या लगाई या बिना मौके पे गए आख्या लगा दी तो वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।